फिर बोलते हैं कि आप जयपुर में क्या सीख पाओगे राजस्थान में क्या सीख पाओगे हैं साथ साथ उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो साइबर सिक्योरिटी इज टोटली टेक्निकल पार्ट बट अगर कोई स्टूडेंट है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि इंडस्ट्री उन्हें इंटर्नशिप के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे देती है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था मैंने एक प्रोग्राम का रिव्यू किया था विच इज़ एम इन साइबर सिक्योरिटी सो उसी के ही पार्ट को आगे बढ़ाते हैं तो आज हम आए एम यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर हमारे साथ है स्वप्निश सर जो कि हमारे क्वेश्चन के आंसर देंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है कैसे आप इसमें स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे कि आपके चेट जी हो गया सो so, आज के इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज के डिजिटल एरा के अंदर डेफिनेटली पहले तो मैं सबको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ चंदन सर को भी जो YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी से रूबरू करवा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी तो सर ने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि ए और चैट जी डी जगह साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या उसकी आज के टाइम में वैल्यू है तो आज हम सभी जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द असेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ ये एक, हमारी लाइफ का एक असेंशियल पार्ट हो गया है क्योंकि हम हमारे डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं प्राइवेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट भी चाहती है कि सबका पर्सनल डेटा सिक्योर रहे इसीलिए डेटा सेंटर भी आजकल कुछ सालों से गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इंडिया के अंदर ही डेटा सेंटर रहे और इस वजह से जो हमारी आईटी पॉलिसीज़ है वो भी काफ़ी चेंज हो रही है अब डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है वो बिल धीरे धीरे पार्लियामेंट में एक्ट बनेगा तो साइबर सिक्योरिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता है तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब डेटा हमारे पास रिसीव होता है तो फायरवॉल के थ्रू रिसीव होता है तो फायरवॉल प्रोटेक्शन इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत अहम रोल है आ, सर तो जैसे आ, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर इतने स्टूडेंट्स को देखा होगा अभी जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे सो ऐसी क्या स्किल रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे कि अगर मैं अगर कोई स्टूडेंट कोई बोलते हो कि आपको ये स्किल चाहिए ये स्किल चाहिए रिलेटेड टू पेनेट्रेशन टेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी सो एक सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स की नीड होगी हमें चंदन जी हमने दो हज़ार से हमने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स स्टार्ट कर रखा है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने फ़ोर टाइम्स स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं हमारे यहाँ जब से हमने स्टार्ट किया है तो ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है हमारी यूनिवर्सिटी में एम साइबर सिक्योरिटी और इसमें जब स्टूडेंट एडमिशन uh, लेता है तो हम सबसे पहले उसका फोकस करवाते हैं नए नए जो साइबर सिक्योरिटीज़ में ट्रेंड्स आ रहे हैं और वो हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम इवेंट्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम हैकेथ्रॉन ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम बूट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिससे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट को अपने क्या क्या साइबर सिक्योरिटी में चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके ताकि वो अपडेट हो सके उसके साथ साथ बाद में हम उसे प्रोजेक्ट देते हैं और प्रोजेक्ट अंडर द फैकल्टी गाइडेंस ताकि फैकल्टी उसे गाइड करे और वो प्रोजेक्ट बनाए उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक 45 डेज की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है तो समर इंटर्नशिप में हम स्टूडेंट को फोकस करवाते हैं इंडस्ट्री से हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्री एकेडमिया काउंसिल है, उस काउंसिल के थ्रू हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो हमें आ, जिनकी हम मीटिंग हर साल लेते हैं हर साल करते हैं और उसमें वो हमें बताते हैं कि मार्केट की क्या डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग हम आ, प्रोजेक्ट फ्लोट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी और फिर वो इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाते हैं फोर्टी फाइव डेज की इंडस्ट्री के अंदर जिसमें वो अच्छी तरीके से कर सकें उसके बाद जब वो इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो लास्ट सेमेस्टर हमारा जो होता है वो पूरा इंडस्ट्री डेडिकेटेड होता है उसमें हम बच्चों को छह महीने के लिए इंडस्ट्री में भेजते हैं जहां पे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि इंडस्ट्री उन्हें इंटर्नशिप के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे देती है और कुछ जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रीनरशिप के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ई सेल डिपार्टमेंट है जो उनके आइडिया को इंप्लीमेंटेशन तक हेल्प करता है और उन्हें एक स्टार्टअप ओपन करने में बहुत मदद करता है तो इस वजह से हमारा जो एम साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है बहुत सक्सेसफुल है और इसी के साथ बच्चों का फोकस रिसर्च के अंदर भी होता है हम बच्चों को आ, बत, बताते हैं कि वो जाके कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करें वो जाके वर्कशॉप भी अटेंड करें और रिसर्च पेपर भी लिखें अंडर द फैकल्टी गाइडेंस ताकि वो पेटेंट भी फाइल कर सकें एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ताकि कुछ बच्चे जो एम साइबर सिक्योरिटी की प्रोग्रामिंग अच्छे करते हैं वो प्रोग्रामिंग में जाए और जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है नया डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वो रिसर्च प्रोग्राम में आगे बढ़े ओके सर जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम जयपुर रीजन की बात करते हैं तो जब भी टेक्निकलिटी की बात आती है तो बोलते हैं कि साउथ इंडिया इज़ बेस्ट या फिर बोलते हैं कि आप जयपुर में क्या सीख पाओगे राजस्थान में क्या सीख पाओगे बट जैसे राजस्थान में अभी आपकी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाता है या उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि जैसे आपने बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी या फिर ऑन्टरप्रनोरशिप तो, तो कॉलेज खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद पे क्या फ़ायदा होता है कि ईजिली आपको जॉब मिल जाए देखिए फोकस हमारा ये रहता है कि बच्चा जॉब तो लें प्लेसमेंट तो ले ही सही क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स ऑफर भी आते हैं स्टूडेंट्स के लिए लाइक टी सी एस से ऑफ़र आते हैं ई वाई से ऑफ़र आते हैं और भी दूसरी कंपनीज से के पी एम जी उन सब से ऑफ़र आते हैं लेकिन हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप एंटरप्रीनरशिप की तरफ भी जाएँ आप अपना स्टार्टअप भी देखें उसके लिए हम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम गाइडेंस भी देते हैं उनका जो आइडिया होता है उसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी ले जाते हैं आपका ये क्वेश्चन था कि साउथ में ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा मेरा मानना थोड़ा सा गलत है कि साउथ में ज़्यादा नहीं हो रहा है हम नॉर्थ वाले या राजस्थान वाले भी पर्टिकुलर बहुत फोकस करते हैं अभी आप देखेंगे कि राजस्थान में हर जगह साइबर थाने खुल गए हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही है यहाँ पर साइबर थाने खोल के लोगों की हेल्प साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लाइक हमारा एक स्टूडेंट ब्रिक्स की स्कॉलरशिप में रशिया गया था और वहाँ पे उसने छः महीने की स्कॉलरशिप का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट किया इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स सिस्को के हैकेथन प्रोग्राम में जाते हैं और वो इंटर्नशिप में करीब लाख रुपए महीने की इंटर्नशिप uh, लेते हैं तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी चाहिए यदि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उन्हें एक गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस सिर्फ फैकल्टी दे सकते हैं उन्हें बता सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उन्हें किस पे ध्यान देना है और क्या काम करना है तो इसके लिए हमने साइबर सिक्योरिटी डेडिकेटेड लैब भी बना रखी है जहाँ पे सर्वर्स भी हमने इंस्टॉल कर रखे हैं काली लाइनिक सरवर इंस्टॉल है तो उसके अंदर बच्चे इन हाउस प्रोग्रामिंग करते हैं वेब सर्वर के ऊपर अलग अलग जो वायरसेस हैं वम्स हैं उनका अटैक परफॉर्म करते हैं जिससे वो सीख सकें तो एक एटमॉस्फेयर, एक अपॉर्चुनिटी और एक गाइडेंस तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए चाहे वो स्टार्टअप करे या प्लेसमेंट में भी जाए सो ओवरऑल प्रैक्टिकल पे ज़्यादा एक्सपोज़र किया जा रहा है ओवरऑल हमारा यही है कि उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा मिले वो प्रोजेक्ट्स अच्छे करें वो वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसिस में पार्टिसिपेट करें वो रिसर्च के अंदर भी जाए उसको पता भी चले कि करेंट सीनारियों में कौन कौन सी रिसर्च चल रही है और आगे आने वाले टाइम में किसकी डिमांड है हमारा इंडस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल के इंडस्ट्री uh, पर्सनस आते हैं उनसे मिलते हैं इंटरेक्ट करते हैं उनकी uh, बातें वो सुनते हैं उनसे क्वेश्चंस वो करते हैं जिससे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो ये सब चीज़ एक बार इन्वॉल्व होती है और शुरू से एंड तक बच्चों का साथ रहता है फ़ैकल्टी के साथ रहते हैं गाइडेंस के अंडर में रहते हैं तो डेफिनेटली बच्चे अच्छे सक्सेसफुल होते हैं सो दैट इज़ वाई हमें इतना अच्छा स्कोप मिला इस प्रोग्राम के अंदर और इतने अच्छे बच्चे मिले बट सर अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे जो आपने अभी बातें बताई प्लेसमेंट रिगार्डिंग ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ uh, की बोलती है कि हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे सो एम यूनिवर्सिटी जयपुर में ही ऐसे uh, कौन से की पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहोगे कि वो आपको और यूनिवर्सिटीज से अलग बनाती है हम फोकस करते हैं जो प्लेसमेंट का फोकस है वो हमारा फ़र्स्ट ईयर के बाद ही शुरू हो जाता है फोकस तो उसमें हम बच्चों को ग्रूम करते हैं बच्चों को बताते हैं कि कंपनीज की क्या डिमांड है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं उससे उन्हें पता चलता है हम हमारे यहाँ पे फैकल्टी इंटरेक्ट करती है फैकल्टी टेस्ट लेती है एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है टेक्निकल टेस्ट लेती है टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व करती है तो इन सबसे जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की उस ग्रूमिंग की वजह से फिर वो सारे हर्डल्स को क्लियर कर लेते हैं ओके okay. सर जैसे हम मैंने एम प्रोग्राम का जो आपका पूरा करिकुलम देखा था उसके अंदर जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थी जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस हो गई आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो गया तो ये कितना इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करवाना आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए वो टेक्निकल स्किल्स को अपनी स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं साथ साथ उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए तो उन पर हमने ध्यान में रखते हुए इस कोर्स के अंदर हमने कम्युनिकेशन स्किल डाला हुआ है जो बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर ये बताता है कि आपको अपना बायोडाटा आपका रिज्यूम कैसे लिखना है जब आप कंपनी के ऑफिशियल्स के सामने बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए तो आपको किस तरीके से बोलना है इसके साथ साथ बिहेवियर साइंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सनस तो ये बिहेवियर साइंस भी हमारा एक करिकुलम का ही पार्ट है और ये फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू है साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि फॉरन uh, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो फॉरेन के आते हैं तो इस वजह से हमने चार फॉरेन लैंग्वेजेस रखी हुई हैं हमारे प्रोग्राम में उसमें बच्चा कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकता है फ्रेंच जर्मन स्पेनिश और चाइनीज के अंदर और उसमें वो अपनी महारत हासिल करके आगे बढ़ सकता है क्योंकि ये सब चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो बच्चे का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और उसके साथ उसकी ग्रूमिंग होती है तो फिर उसकी अलग ही हो जाती है जब वो पर्सनल लेता है और जब एग्जिट करता है तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत अंतर आ जाता है और एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है बच्चे के अंदर सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बट नॉट कि मेरा मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी टेक्निकल पार्ट बट अगर कोई स्टूडेंट है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है या उसको नहीं पता कि साइबर क्या है सिक्योरिटी क्या है या फिर जैसे इंटरनेट यूज करना भी नहीं आता जी, जी. या वो सीख रहा है कि अभी क्या चीजें है सो so, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कितनी हेल्प करती है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए नहीं इसके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नॉन टेक्निकल स्टूडेंट की साइड से तो हमने जो एम साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो उसमें हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टूडेंट इसमें एडमिशन न ले सके मतलब कोई ऐसा हमने हर्डल नहीं लगा रखा है कि उसके पास मैथमेटिक्स ही होगी या उसके पास साइंस ही होगी तभी वो आएगा कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से वो एम साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में आके एडमिशन ले सकता है और इसके अंदर हम स्टार्टिंग से उसे फंडामेंटल कंसेप्ट uh, सिखाते हैं जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया तो वो बेसिक चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में रखी हुई हैं और धीरे धीरे हम उसको एडवांस लेवल तक ले जाते हैं ताकि बच्चे को जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं भी है वो भी आराम से आके यहाँ पे सारी चीज़ें सीख सकें और अपना डाउट क्लियर कर सके इसके साथ साथ <coughs> हमने उसे फैसिलिटी भी दे रखी है कि लैब क्योंकि कॉलेज नाइन टू फाइव ही है लेकिन पाँच बजे के बाद भी हमारी लैब्स ओपन रहती हैं तो बच्चे आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं लैब कर सकते हैं रात को रुक सकते हैं रात को अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को अवेलेबल है ताकि वो फ्री माइंड से आएँ और यहाँ पर बिना किसी हर्डल से सारी चीज़ें आराम से सीखें विदाउट एनी बाउंडेशन सो मैं थैंक करना चाहूँगा स्वप्निस सर से जो कि एम यूनिवर्सिटी जयपुर से है सो so, इन्होंने बताया हमें अबाउट द साइबर सिक्योरिटी अबाउट द करिकुलम कि कैसे आप अपने आप को स्किल को एनहांसमेंट कर सकते हो एम यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ में आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा जो भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ जब तक के लिए टाटा बाय बाय